हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट फोकस आईएएस में। मेरा नाम है ललित आनंद। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, जिसमें लास्ट क्लास तक हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ा था। ठीक है, आज हमें आगे बात करनी थी राज्य मंत्री परिषद के बारे में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो ये भी सेम ऐसे ही जैसे हमने केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ा था, ठीक वैसे ही राज्य मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो आपने बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंतर जो होगा वो याद रख लेना है। कुछ तो अनुच्छेद का अंतर होगा और कुछ बातें भी अलग होंगी। ठीक है, जैसे पहले तो वही हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे वहां पे हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि राष्ट्रपति की परामर्श और सहायता के लिए क्या था, केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा ही है, लेकिन मंत्री परिषद की जो व्यवस्था है वो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, परामर्श और सहायता देने के लिए है। लेकिन यहां एक बात अलग ये है कि मंत्री परिषद एक केवल परामर्शदायी संस्था ही नहीं है, बल्कि ये राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, ये राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, बात क्लियर हो रही है यहां तक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 163 है उसमें राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, और जो 164 अनुच्छेद है उसमें मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, यदि मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करें तो मंत्री जो होंगे वो पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सामने शपथ लेंगे अपने पद और उसकी गोपनीयता की। ठीक है, यदि मंत्री परिषद के गठन में भी यही होगा जिस प्रकार से हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्रियों की श्रेणियां थी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, तो उसी प्रकार से राज्य के मंत्री परिषद में भी है। ठीक है, बात क्लियर। यदि योग्यता की बात करें तो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उन सबके लिए ये अनिवार्य है कि वो राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे दो सदन हैं, उनकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, और यदि मानिए कि कोई ऐसा सदस्य है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री बनता है, तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि उसको 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ये अनिवार्य है उसके लिए, वरना उसको अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, जो बात हमारे अनुच्छेद 164(4) में लिखी हुई है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। एक फैक्ट इसमें यह है कि जो संविधान का 91 संविधान संशोधन था 2003 का, उसके तहत क्या बात कर दी गई कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, जब हमने देखो याद कीजिए, जब हमने सबसे पहली क्लास की थी तो हमने कहा था कि आपको संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियां याद करनी है। ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए कि 10वीं अनुसूची में क्या है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, और ये आई कब थी, कब जोड़ी गई थी, तो ये संविधान में 52 संशोधन जब हुआ था 1985 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो 91 संविधान संशोधन है 2003 का, ये व्यवस्था करता है कि यदि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के सदस्य को उस सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है तो उसे पुनर्मतदान तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि सभी मंत्री जो होंगे वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह बात है कि वो राज्यपाल के, मतलब राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाता है। ठीक है, और मंत्री परिषद का जो निश्चित कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन उसे पूर्व में भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो था वो अभी जो लास्ट टाइम यूपी पीसीएस हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर भी मंत्री परिषद का अंत कर सकता है, यदि मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो मंत्री परिषद भी अंत हो जाएगा मंत्री परिषद का। ठीक, बात क्लियर हो गई। यदि मुख्यमंत्री के बारे में हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होगा। ठीक है, और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। ठीक है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य शासन से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा, ठीक वैसे ही जैसे वहां हमने देखा था केंद्रीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ठीक वैसे ही है। तो इन दोनों को आपने साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
बात करें यदि हम महाधिवक्ता के बारे में, जो एडवोकेट जनरल होता है उसके बारे में बात करें, तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। महाधिवक्ता क्या है, अब यह भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और महाधिवक्ता जो है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखने वाला होना चाहिए, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद 177 क्या कहता है कि महाधिवक्ता भी जो होगा वो राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं हो सकता है, ठीक है, वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, ठीक, बात क्लियर। अब यदि हम पूरा राज्य विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे विधानमंडल है, तो हमारे संविधान का जो भाग 6 है उसका अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, ठीक है, यानी कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल जो होगा वो विधान परिषद एवं विधानसभा आती है, ये तीन, जैसे हमने देखा था वहां पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। किसी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, तो वहां विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है विधानमंडल जो होगा, ठीक है, और जहां पे ये दोनों सदन है तो वहां पे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, और जहां पे नहीं है तो वहां पे राज्यपाल और विधानसभा, इनसे मिलकर विधानमंडल बनेगा, ठीक। अब जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 है उसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा, ठीक है, विधानमंडल का जो निर्माण है विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर होगा, हमने भी बात की, और जहां पे द्विसदन व्यवस्था है वहां पे राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, ये बात रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने ये याद रखनी है, ठीक। वर्तमान समय में आज की बात करें तो केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ठीक है। अब ये राज्य कौन से हैं तो आपको ये याद रख लेना है, देखिए यहां पे 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं 7 है, ठीक है, तो इसको आप एक कोड से याद कर लीजिए, कोड से याद कर लीजिए, तू बी मजे कर, तू बी मजे कर, इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। अब कैसे, जैसे देखिए टी से आप कर लीजिए तेलंगाना, यू से आप कर लीजिए उत्तर प्रदेश, बी से आप कर लीजिए बिहार, ठीक है, एम से आप कर लीजिए महाराष्ट्र, जे जो है इससे आप कर लीजिए जम्मू कश्मीर, ठीक, बात क्लियर हो रही है, के जो है मजे कर यहां से आप कर लीजिए कर्नाटक, ठीक है, यानी कि कौन से हो गए तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, बात क्लियर हो गई। ये आप ऐसे कोड बना के याद रखिए कि तू भी मजे कर, तो ये सातों के सातों उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब जो उच्च सदन है वो विधान परिषद और जो निम्न सदन है वो विधानसभा कहलाता है, ठीक है, जैसे हमने केंद्र में देखा था कि निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी उच्च सदन विधान परिषद है, निम्न सदन विधानसभा है, ठीक, बात क्लियर हो गई। अब यदि हम एक एक करके दोनों की बात करें, विधान परिषद की बात हम पहले करें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसकी बात करें, इसका निर्माण कैसे होता है, तो संविधान का अनुच्छेद 169 जो 169 है उसके अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया दी गई है, ठीक, बात क्लियर। कैसे होगी कि राज्य द्वारा विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन के संकल्प पारित करके संसद के पास भेजा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की जो अंतिम शक्ति है वो संसद के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे यदि, तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परिषद को आगे चलकर बनाने या मतलब समाप्त करने कर दिया है, जैसे पंजाब है, उन्होंने 1969 में, पश्चिम बंगाल उसने भी 69 में, आंध्र प्रदेश 85 में और तमिलनाडु ने 86 में,
ठीक है, इन्होंने आगे चलकर विधान परिषद को समाप्त कर दिया था। ठीक, एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि संविधान के अनुसार जो 169 है अनुच्छेद, उसमें ये प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण कर ले या ना करें, यानी कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो आंध्र प्रदेश है, जिसकी अभी हमने बात की कि आंध्र प्रदेश में भी द्वि सदन है, तो आंध्र प्रदेश ने जो उसके यहाँ विधान परिषद की थी उसको 1985 में समाप्त कर दिया था, लेकिन वो उसको 2007 में उसने फिर से उसको अस्तित्व में ले आया। ठीक है, वहीं तमिलनाडु जो है 1986 में विधान परिषद का उत्थान किया गया, ठीक है, यानी समाप्त किया गया। ठीक, लेकिन 2010 में जब डीएमके की सरकार आई थी तो उन्होंने उसको फिर से गठन का संकल्प पारित कर दिया था। ठीक है, और जो संसद है हमारी उसने भी 2010 में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम को पारित कर दिया, ठीक, जो विधान परिषद के गठन की मंजूरी देता था। ठीक, डीएमके की सरकार, ये बात ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए कि पंजाब ने समाप्त कर दिया, पश्चिम बंगाल ने, आंध्र प्रदेश ने कर दिया था लेकिन उसने फिर से बहाल कर दिया, तमिलनाडु ने भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, और किन किन में द्वि सदन है, तो ये बात आपने तो बिल्कुल नहीं भूलनी, ये आपको याद रखनी है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इनकी बात हमने की, अब जो हमने निर्वाचन पद्धति की बात हमने कर ली कि 1/3 सदस्य होंगे, जैसे इसकी बात हम आगे करें कि जैसे विधान परिषद का सर्जन और उत्साहन, यानी कि सर्जन और समाप्त, इसकी बात हमने कर ली। अब हम इनकी सदस्य संख्या की यदि बात करें तो अनुच्छेद 171 जो है उसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 171 कहता है कि 40 से कम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, तो अपवाद है इसमें जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्योंकि अब इसमें तो कहा गया कि 40 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में मात्र 36 है। ठीक है, तो अपवाद के तौर पे आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर को। ठीक, अब संविधान का अनुच्छेद जो 171(3) है उसकी जो निर्दिष्ट रीति है उसके अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्धारण है वो कैसे होगा, उसकी यदि हम बात करें तो 1/3 सदस्य जो होंगे वो राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि, इन सबसे मिलकर आएंगे। ठीक है, इन सबसे मिलकर बनेंगे और जो निर्वाचक मंडल होगा वो चुनेगा। ठीक, उसके अलावा जो 1/3 सदस्य और आएंगे वो विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो 1/12 1/12 सदस्य जो होंगे वो राज्य में रहने वाले, जो राज्य के निवासी होंगे, विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे और जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हों। ठीक है, उसके अलावा 1/12 जो होंगे वो अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, और अध्यापक भी कौन से, जो राज्य के हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। ठीक है, उसके अलावा जो 1/6 सदस्य आएंगे वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे और राज्यपाल किनको मनोनीत करेंगे, जो राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से जुड़े हुए होंगे। ठीक, बात क्लियर हो रही है, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है निर्वाचन पद्धति जो है, इसको 2-3 बार आप पढ़िएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। यदि अब इनकी योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 173 योग्यता के बारे में बताता है कि भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, पागल ना हो या दिवालिया घोषित ना किया गया हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, ये बात भी आपने याद रखनी है कि किसी लाभ के पद पर भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति की जो बात है तो अनुच्छेद 182 जो है उसके अनुसार विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को सभापति और उपसभापति चुनेगी। तो अनुच्छेद इसमें याद रखिए 182। ठीक है, इसमें जो और बात है कि अनुच्छेद 183 के अनुसार सभापति उपसभापति को संबोधित करके, उपसभापति सभापति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, यह विधान परिषद के सदस्यों को भी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आई होगी। ठीक, बात करें विधानसभा के बारे में,
तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है, ठीक है। और हमने बात कर ली कि निचले सदन होता है, निम्न सदन कहते हैं, और ये राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे हम अपने केंद्र में देखें तो हम लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट चुनते हैं, उसी प्रकार से राज्य में भी विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। संरचना की यदि हम इसकी बात करें, विधानसभा की संरचना की, तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद 170 है उसके अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 500 और जो न्यूनतम है वो 60 हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने विधान परिषद में देखा था कि कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम 40 हो सकती है। यहाँ पे कम से कम कितनी है, तो 60 हो सकती है। विधान परिषद में हमने अपवाद देखा था कि जम्मू कश्मीर है वहाँ पे केवल 36 है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अपवाद हैं इसमें भी कि जो न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, लेकिन नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा यहाँ तो बहुत कम है, यहाँ 60 से कम है। देखो यहाँ पे गोवा की गलत संख्या इन्होंने लिख दी है, गलत संख्या टाइप हुई है। गोवा में आप लिख याद रखिए 30, ठीक है, गोवा में 30 है, इनको आप लिख लीजिएगा। मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है, सिक्किम भी इन्होंने गलत लिखा है, सिक्किम में 30 है, ठीक। बात क्लियर हो गई, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वहां विधान परिषद में आप अपवाद में किसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर को, और विधानसभा में आप अपवाद में किसको याद रखेंगे, तो नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ठीक है। एक फैक्ट आप नोट करके ये याद रखिए कि दो संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं गठित की गई हैं, दो में, कहाँ, जिसमें एक है दिल्ली, यहाँ पे विधानसभा में 70 सदस्य हैं, एक है पुदुचेरी, ठीक है, जो पांडिचेरी आप कहते हैं, विधानसभा वहां पे 30 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपवाद है पुडुचेरी भी, कि यहाँ पे भी 30 हैं, ठीक है। और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 239 में दिए गए हैं, 239, ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2001 का, उसके द्वारा 2026 तक विधानसभा, लोकसभा, इन दोनों की जो सीटों की कुल संख्या है उसमें कोई परिवर्तन ना करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा, ठीक। बात क्लियर हो गई। इससे पहले यदि बात करें हम कि हम जो वर्तमान की बात करें दी, तो वर्तमान में 1971 की जनगणना को ही जनसंख्या का आधार बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो 1971 की जनगणना थी, जो जनसंख्या थी, उसको ही हम सीटों के लिए आधार बनाते हैं वर्तमान में, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 का, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 2000 के बाद होने वाली जो प्रथम जनगणना होगी उसके आधार पर प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर 84वां संविधान संशोधन हो गया 2000 का, तो उसमें ये समय सीमा जो थी ये 2026 तक कर दी गई है, ठीक है। अब 2026 में सीटें चेंज होंगी, देखते हैं, उससे पहले भी हो सकता है कोई अमेंडमेंट फिर से कर दें, फिर से ये समय बढ़ा दें, ठीक है। तो ये हम बाद में देख लेंगे, जब भी ये सीमा, मतलब ये ध्यान रखना है कि अभी कब तक के लिए है, तो अभी आपको याद रखना है कि 2026 तक, ठीक है, समायोजित सीटें नहीं की जाएंगी, ठीक। ये एक अनुच्छेद याद रखिए, 332 जो है ये आरक्षण से संबंधित है, यानी कि 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और जो अनुच्छेद 333 है वो राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की आवश्यकता पर एक सदस्य को मनोनीत कर सकेगा, ठीक है। हमने ये बात वहां पे राष्ट्रपति में पढ़ी थी, राष्ट्रपति दो सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जबकि राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, ठीक। बात क्लियर हो रही है। विधानसभा की अवधि, तो इसकी अवधि 5 साल है, ठीक है। और ये 5 साल कब से काउंट होता है, तो विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा उसकी तारीख से ही ये काउंट होती है, ठीक है। अब इसको 5 साल से पहले भी विघटन किया जा सकता है यदि राज्यपाल उचित समझे तो, ठीक है। सामान्यतः ऐसा कब होता है, तो ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करते हैं, ठीक। बात क्लियर हो रही है।
तो मुझे लगता है सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। कुछ अदर जो अन्य रोचक फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे जो 5 साल है ये तो हमने बात कर ली। हाँ, एक बात आपने ये याद रखनी है कि संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है 356 में, इसकी बात हमने पिछली क्लास में भी की थी, ठीक है। और आपातकाल में संसद द्वारा जो ये अवधि होगी इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद इसे 6 माह से अधिक का विस्तार नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और ये बात किस में है, तो ये बात अनुच्छेद 352 में है, ठीक। अब विधानसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जैसे हमने विधान परिषद में देखा था उसमें 30 है, ठीक है। यानी कि वही जैसे लोकसभा और राज्यसभा उन दोनों के जैसे ही है चीजें, ठीक है। ये बात अनुच्छेद 173 कहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, ये बात अनुच्छेद 194 कहता है, ठीक। बात क्लियर। अब विधानसभा भी जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, तो वो भी अपने सदस्यों में से ही चुनाव कर लेती है, ठीक है। अध्यक्ष, इसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ये बात 179 में है अनुच्छेद, ठीक है। अब सदन के कुल सदस्य संख्या जो होगी उसका जो 10वां भाग है वो कोरम होता है, गणपूर्ति होता है, जैसे लोकसभा में हमने देखा था, ठीक है। ये अनुच्छेद 189 में है, ठीक है। धन विधेयक यहाँ पे भी केवल विधानसभा में लाया जा सकता है, जैसे वहां पे हमने देखा था लोकसभा में केवल लाया जा रहा था, ठीक है। ये अनुच्छेद 198 है। विधानसभा इसे पारित करने के लिए विधान परिषद को भेजती है, जिसे वह 14 दिन के अंदर अपनी सहमति दे सकती है, वापस कर देगी, और यदि 14 दिन में वो वापस नहीं करती है तो इसे पारित मान लिया जाता है उसी रूप में, ठीक है। और धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे हमने राष्ट्रपति को देखा था, ठीक है, कि वहां पे लोकसभा जो धन विधेयक प्रस्तुत करती थी उसमें क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए थी, ठीक है। और फिर वो उसको राज्यसभा के पास भेजती थी, राज्यसभा के पास भी 14 दिन का समय होता था कि वो उसमें संशोधन करके लौटाए या उसको ऐसे ही लौटा दे, और यदि नहीं लौटाती है तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है, ठीक। बात क्लियर हो गई। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए रख दिया जाता है तो इस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि किसकी आवश्यकता होगी, सीधे राष्ट्रपति की सहमति की, ठीक है। तो कुछ 8 टेढ़ी बातें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लाइक करके बताइएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्लास अच्छी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना, पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।